तो ये देखिए झारखंड बेरमो बोकारो डिस्ट्रिक्ट बेरमो जड़ बाजार का छठ। और छठ क्या होता है आपको हम बताना चाहेंगे कि छठ दुनिया में उगता हुआ सूरज का शायद बहुत लोग पूजा करता होगा, लेकिन डूबता हुआ सूरज का शायद ही कोई धर्म पूजा करता होगा। और लोग सनातनी जो हर किसी पे अपना भगवान देखते हैं, हर इंसान के अंदर भी अपना भगवान देखते हैं, हर इंसान के अंदर भी भगवान होता है ऐसा हम लोग मानते हैं। और हर जीव जंतु पेड़ पौधा के ऊपर भी भगवान होता है ऐसा हम मानते हैं। और हर किसी को पूजा करते हैं, यानी हर किसी का सम्मान करते हैं। तो वही डूबता हुआ सूरज का छठ मनाते हुए उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज को मनाते हैं। और अभी फिलहाल कल शाम को डूबता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं और उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग उगता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं। सभी लोग उगता हुआ सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए सभी लोग छठ के लिए तैयार है, जिसे ही सूरज दिखेगा उसे ही छठ मनाते हैं। छठ का मतलब होता है दीपावली का छठवां दिन छठ होता है। नौ दिन नॉर्मली अमावस्या को होता है, उसका अगला दिन पहला दिन होता है और छठा दिन छठ होता है। ये हमेशा दीपावली का छठा सातवां दिन छठ मनाया जाता है। चार दिन के बाद नहाए खाए से स्टार्ट होता है, खरना होता है, फिर पहली अर्घ यानी शाम का अर्घ और फिर सुबह का अर्घ, ये सब मिला के इसको छठ बोलते हैं। और बिहार झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है झारखंड का नज़ारा, झारखंड का एक घाट का एक नदी का नज़ारा है, बहुत ही विख्यात। ये छठ मना सबसे पहली बार शुरुआत किए थे सीता माँ पहली बार छठ किए थे और उस समय से लेकर अभी तक छठ मनाया जा रहा है। इस नदी में करीबन 150 साल से छठ मनाया जा रहा है इस नदी में, शायद उससे भी ज़्यादा, मिनिमम 150 साल, क्योंकि 150 साल का एक जड़ बाजार में एक बिल्डिंग है, यहाँ से मंदिर कम से कम 250 साल पहले बना है, उससे भी पहले बनाया जाता होगा। लेकिन है ये छठ हमेशा धूमधाम से मनाया जाता है और अगला साल से बेहतर, ये साल हर साल अगला साल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये छठ है, उगता हुआ सूरज को सब देख रहे हैं। ये देखिए जितना भी फेस सब उगता हुआ सूरज को देखने के लिए बेकरार है। अभी लाली छाया है, सूरज उगा नहीं है, कुहासा मौसम की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो घड़ी बहुत जल्द आए। ये है हमारा छठ।